दोस्तों ये है आलिशान न्यू बुराग गार्डन रेस्टोरेंट, जहाँ पर आपको मिलते खानों के ऐसे जायके जो कि आपने पहले कहीं नहीं खाए होंगे। यहाँ का बारबेक्यू हो या फिश या फिर हो यहाँ की कढ़ाई, उसके अलावा चाइनीज, इटालियन और फास्ट फूड सभी यहाँ पर आपको इतने मजेदार जायकों में मिलेंगे जो आपकी दावत को यादगार बना देगा। कराची से थोड़ा सा दूर लॉन्ग ड्राइव करते हुए जब आप पहुँचते हैं ठट्टा सिटी, तो वहीं पर सजावल रोड पर ये रेस्टोरेंट आपको मिलेगा, जहाँ का ना सिर्फ खाना बहुत जबरदस्त है बल्कि इतने वसी रकबे पर बना न्यू बुराग गार्डन रेस्टोरेंट आपको सिटिंग का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देता है। तो फिर रेस्टोरेंट की लोकेशन और खानों की प्राइस जानिए आगे वीडियो में, क्योंकि इतने मजेदार खानों को खाना तो बनता है। तो दोस्तों जो आपने इतना जबरदस्त रेस्टोरेंट देखा है, इसका नाम है न्यू बुराग गार्डन, जो कि ठट्टा सिटी में मौजूद है। अगर आप कराची में रहते हैं और आपका दिल चाह रहा है कि कोई बहुत जबरदस्त फूड खाने का, साथ में आपको हाईवे का माहौल भी मिल जाए और उसके अलावा लॉन्ग ड्राइव का मजा भी मिल जाए, तो सबसे ज्यादा नंबर वन आपको ये रेस्टोरेंट मिलेगा जिसका नाम है न्यू बुराग गार्डन। तो चले इस रेस्टोरेंट के अंदर चलते हैं और आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कौन कौन से खाने मौजूद है, उनकी प्राइस क्या है, जायका कैसे, लोकेशन क्या, सब बताऊंगा आज मेरे साथ। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर रेस्टोरेंट में एंटर हो चुका हूँ और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ का सिटिंग एरिया बहुत जबरदस्त है। जैसा कि आप देख सकते हैं कितना बड़ा और ह्यूज टाइप का ये रेस्टोरेंट उन्होंने बनाया है, साथ में सिटिंग एरिया आपको तख्त और गांव तकिए के साथ यहाँ पे टेबल पर आउटसाइड सिटिंग मिल जाएगी। उसके अलावा फैमिलीज के लिए एक अंदर इनसाइड सिटिंग भी मौजूद है, साथ में आप एक रूफ टॉप पे भी देख सकते हैं, वहाँ पे सारी सीटिंग आपको मिल जाएगी। मतलब माहौल तो फिर इसका हाईवे वाले रेस्टोरेंट का बहुत जबरदस्त होने वाला है। इसके अलावा और क्या क्या आए मेरे साथ सब बताता हूँ। तो दोस्तों न्यू बुराग गार्डन के यहाँ पर मेरे साथ डायरेक्टर मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जाहिद भाई, आप मुझे बताएं कि यहाँ पर फूड कौन कौन सी यहाँ पर मौजूद है? बेसिकली सर हमारे पास तो नॉर्मली पाकिस्तानी सारा कुजीन मौजूद है, उसके अलावा कुछ लाइव चीज़ें हैं जो अभी सीजनल आइटम था, तो डिश में हमने फिश को ऐड किया हुआ है। अच्छा। लाइव सब्जी आपको मिलेगी, लाइव बारबेक्यू आपको मिलेगा। अच्छा। और उसके अलावा मैं और चीजें भी आपको विजिट करता हूँ, अभी फिलहाल आपको मैं फिश के बारे में आपको बताता हूँ कि आप कौन कौन सी फिश है। ठीक है दोस्तों, ये जो जितना भी आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर फिश सब्जी वगैरह ये पूरा आउटसाइड वाला बारबेक्यू यहाँ पर मौजूद है, उसके अलावा इनसाइड किचन भी मौजूद है जहाँ पर तकरीबन सभी खाने तैयार किए जाते हैं। अच्छा जाहिद भाई, आप मुझे एक बात बताएं कि आपके पास कौन कौन से आइटम मौजूद होते हैं खाने में? सर हमारे पास पाकिस्तानी है, चाइनीज है, इटालियन है और उसके अलावा थाई आइटम्स हैं हमारे पास। अच्छा। और फिर फास्ट फूड के तकरीबन आइटम्स हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, मतलब काफी वैरायटी आपको मिल जाएगी इधर। जी जी बिल्कुल, जो वैरायटी आपको कराची में मिलेगी, जो लाहौर में मिलेगी, तकरीबन उसके कंपटीशन के मुकाबले हमने आइटम यहाँ हर चीज में मेन्यू में ऐड किया हुआ है। ठीक है ठीक है। शायद मुझे ये पता है कि लोग आपके रेस्टोरेंट में क्यों आए आखिर? इसकी वजह यह है कि सर बेसिकली हमारी जो आइटम्स की रेट्स हैं बहुत इकोनॉमिकल हैं और मियार आपको जो कराची में मिलेगा इससे हमने बेहतर मियार यहाँ रखा हुआ है, और क्वालिटी क्वांटिटी वाइज भी हमने चीज़ें रखी हुई है। जो चीज़ें आपको कराची में अवेलेबल है वो चीज़ें बदीन, ठट्टा, सजावल और गारो के जितने भी लोग यहाँ से जैसे कंजर झील के लिए लोग घूमने आते हैं वो लोग यहाँ पे आकर ट्राई कर सकते हैं। जो उनको कराची में डिशें मिल रही है वो लॉन्ग ड्राइव पे यहाँ पे भी मिल सकती है। बिल्कुल, तो ये चीज़ें सर। अच्छा जाहिद भाई, आप मुझे इसकी लोकेशन बताएं और ये भी बताइए कराची से तकरीबन कितना दूर है ये रेस्टोरेंट न्यू बुराग गार्डन? सर बेसिकली कराची से ये इसका जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है और इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है आप बाईपास से आते हुए मेन सजावल हाईवे की तरफ, तो ये बिल्कुल बिकक के बिल्कुल जस्ट अपोजिट साइड पे। तो दोस्तों मैं न्यू बुराग गार्डन रेस्टोरेंट के किचन एरिया में आ चुका हूँ और इनका जो आप किचन है देख सकते हैं कितना ज़्यादा साफ सुथरा लग रहा है मुझे। यहाँ पर हाइजीन का काफ़ी अच्छा ख्याल रखा गया है और यहाँ पर इतनी ज़्यादा रौनक है, मुझे तो लग ही नहीं रहा कि मैं आखिर कराची से इतनी दूर आया हूँ ठट्टा सिटी में, और यहाँ पर आपको इस किचन में तकरीबन सभी टाइप के फूड आइटम मिल जाएंगे। इसमें कढ़ाइयाँ तैयार की जा रही हैं एक साइड पर, दूसरी साइड पर पूरा चाइनीज़ का काउंटर यहाँ पर मौजूद है, उसके बाद फास्ट फूड स्टेट और सभी किस्म के आइटम यहाँ पर मिल जाते हैं। तो फिर मैं तो ये बोलूँगा कि इतना जबरदस्त रेस्टोरेंट में यहाँ पर आकर अगर आप खाना खाते हैं तो फिर पैसा तो बिल्कुल आपको वसूल है। तो दोस्तों मैं न्यू बुराग गार्डन के रूफ टॉप पर आ चुका हूँ और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा यहाँ का जो सिटिंग एरिया ये मौजूद है, फैमिलीज़ के लिए मौजूद है और इनका बार काउंटर भी काफ़ी अच्छा है। मैं इसकी एक और बात की तारीफ करना चाहूँगा कि जितने भी यहाँ पर लोग आए हुए, जितना भी माहौल है, आपको यहाँ पर आके लगेगा ही नहीं कि आप कराची से इतना ज़्यादा दूर हो रहे हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोगों का, फैमिलीज़ का और जितने भी दोस्त वगैरह आए हुए कितना ज़्यादा रश है इधर, तो यहाँ पर आके आपको लगने ही नहीं वाला कि आप कराची से इतना ज़्यादा दूर आए हुए। तो दोस्तों यहाँ पे न्यू बुराग गार्डन रेस्टोरेंट पे आपको खाने ही नहीं मिलते बल्कि यहाँ पे आपको मिलते हैं बहुत ही ज़बरदस्त से ड्रिंक्स भी, जिसमें अलग अलग फ्लेवर के, और मैंने हमेशा की तरह जो मेरा मोस्ट फेवरेट जो ड्रिंक है वो लिया जिसका नाम है ब्लू कोलाडा, तो वाकई में यहाँ का इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा एक बहुत ही स्वीट से सब्सक्राइबर भी मिल गए जिनके नाम है शेजल, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। अच्छा शेजल, यहाँ पे आप कहाँ से आए हो इस रेस्टोरेंट? मैं ठटा से ही आया हूँ, यहाँ से ही मैं रहता हूँ। मैं यहाँ पे रोजा नहीं आता हूँ, बस ऐसे डिनर फैमिली के साथ। अच्छा, मतलब आपके वही करीब पड़ता है रेस्टोरेंट। ठीक है ठीक है। और यहाँ पे आप क्या खाने, आपको क्या अच्छा लगता है इधर? मुझे मलाई टिक्का अच्छा लगता है। रेस्टोरेंट की फूड क्वालिटी मुझे बहुत पसंद है और इनकी प्राइस भी मुनासिब है। हाँ, मतलब एरिया के लिहाज से अगर इधर आया जाए तो काफी अच्छे पैसों में आप काफी ज्यादा फूड खा सकते हैं। जी भैया, हम लोगों ने अपने दोस्त कुछ हैदराबाद के कुछ अच्छा। कराची के प्रोग्राम बनाया था, आज का दिन दिया हुआ था एक दूसरे को। अच्छा, के स्पेशल जाएंगे यहाँ पे खाना खाएंगे और इसका जायका भी चेक करेंगे। माशाल्लाह हमने तकरीबन इसके सूप से लेके, अच्छा ठीक है ना, अब आते रहे, देख रहे हैं कि क्या कोई खामी है, लेकिन माशाल्लाह खाना बेहतरीन ठीक है। अच्छा, तकरीबन 20 से 25 लोग यहाँ पे मौजूद है। तकरीबन इससे भी ज्यादा है, कुछ वहाँ पे भी बैठे हुए हैं। अच्छा माशाल्लाह, तो आपको कैसा लगा इधर जायका? बेहतरीन है, डिलीशियस है, आए और एंजॉय करें। तो दोस्तों, हम न्यू बुराक गार्डन रेस्टोरेंट का जितना भी हमने मेन्यू यहाँ पे मंगवाया वो आ चुका है और बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। सबसे पहले तो इसकी प्रेजेंटेशन के बारे में बोलना चाहूंगा कि बहुत ही जबरदस्त और लाजवाब किस्म की है। मैं आपको ये बताऊं कि हमने यहाँ पे क्या क्या मंगवाया, जिसमें हमने मंगवाई इनकी खास बहुत ही स्पेशल मटन कढ़ाई होती है वो मंगवाई है, उसके अलावा सजी मंगवाई है वो भी बहुत ज्यादा से लग रही है, जैसे कि हमने आपको दिखाया था इससे पहले। उसके अलावा ग्रिल फिश है जो कि रेड स्टेप पर खास तौर पे इनकी बहुत ही फेमस है और लोग उसकी फरमाइश करते हैं कि ग्रिल में मंगवाएंगे तो वो है। उसके अलावा अफगानी बॉडी मौजूद है और एक बहुत ही फेमस इनका आइटम है जो कि लोग जब इधर खाने आते हो किसी भी रेस्टोरेंट में नहीं मिलता, सिर्फ इनके पास होता है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, वो है कलमी टिक्का। तो वागे में बहुत ही जबरदस्त मेन्यू यहाँ पे हमारे पास आ चुका है, बहुत लाजवाब लग रहा है। और उसके अलावा हमें यहाँ पर मिलते हैं बहुत ही जबरदस्त ड्रिंक्स भी, मतलब आपको यहाँ अगर आप कराची से आते हैं और इधर सजावल रोड पे आके ठट्टा सिटी में इतना जबरदस्त रेस्टोरेंट पे आके इतनी दूर जब आप सफर करके आते हैं तो इधर खाने का मियार, इनका टेस्ट आपको वागे में बहुत ही आला मिलता है। तो चले बिना रुके इसको टेस्ट करके और आपको बताता हूँ मुझे इसका जायका कैसे लगा। तो सबसे पहले टेस्ट करूंगा जो इनके जबरदस्त से नान है उसके साथ इनकी इस कढ़ाई को, तो बिस्मिल्लाह पनीरम के साथ। तो दोस्तों, यहाँ की स्पेशल मटन कढ़ाई वाकई में बहुत स्पेशल है। सबसे पहले जो इनका मीट है वो इतना जबरदस्त है, जो इनकी मीट की बोटी है उनका साइज भी काफी अच्छा है, मीट काफी ज्यादा टेंडर और जूसी सा है। उसके अलावा जो इसने भी स्पाइसेस ऐड करे, जितना भी मसाला है, जो एक ओरिजिनल ऑथेंटिक से एक हाईवे वाली कढ़ाई होती है जो कि कराची में बहुत कम रेस्टोरेंट में मिलती है, वो आपको यहाँ पे मिलेगी, वाकई में आउट क्लास किस्म की है। अच्छा, अब मैं टेस्ट करूंगा जो इनकी फिश है रेड स्नैपर, मैं उसको टेस्ट करना चाह रहा था जब वो बन रही थी तभी मुझे इतनी अच्छी लगी थी, मैं रुका हुआ था कि इसको आखिर कब टेस्ट करूंगा, तो अभी ये मेरे सामने है। तो बिना रुके बिस्मिल्लाह खानीरम के साथ। यार वाकई में बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल, बहुत ज़्यादा टेस्टी। अच्छा, सबसे पहले जो इनका फिश का टेस्ट है वही इतना जबरदस्त है, मुझे नहीं पता था कि रेड स्नैपर फिश वाकई में इतनी ज़्यादा टेस्टफुल होती है। और बिल्कुल इसका जो इन्होंने कुकिंग टाइम में रखी है बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब ना ओवरडन है ना कम है, मतलब बिल्कुल एक जो परफेक्ट फिश होती है ग्रिल वो यहाँ पर आपको मिलती है। मुझे यहाँ पे बुराक रेस्टोरेंट पे आके इनके जितने भी फ्लेवर हैं उनको खा के वाकई में मुझे मज़ा आ गया, चाहे वो इनकी जो मटन कढ़ाई है वो हो, इनकी चिकन सब्जी हो या कलमी टिक्का, उसके अलावा फिश और ये अफगानी बोटी, सभी टेस्ट में बहुत जबरदस्त है। मैं आपको इनकी प्राइस बता दूँ, इनकी जो प्राइस है जो आपको फुल कढ़ाई मिलेगी ये 3600 की मिलेगी, उसके अलावा जो चिकन सब्जी है उसकी प्राइस 1700 है, उसके अलावा कलमी टिक्का 900 का है और 850 की है, आपको जो अफगानी बोटी ये मिल जाएगी, उसके अलावा जो फिश है वो 1800 की है, मतलब इतने रीजनेबल प्राइस पे आपको हाईवे पे आके बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो मेरी तरफ से तो इसको 10/10 है, मैं यही बोलूँगा कि आप यहाँ पे आके लॉन्ग ड्राइव करके कराची से इधर आके इनके खाने से टेस्ट करें, क्योंकि इतने जबरदस्त मौसम है, सर्दी के मौसम में इतने जबरदस्त खाने खाना तो फिर बनता है। तो फिर मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसे और भी मज़ेदार और जबरदस्त किस्म के व्लॉग लेकर आता रहूँ। तो फिर आज का व्लॉग इधर ही एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।